नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे चैनल के माध्यम से श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी की अद्भुत कथाओं एवं विशेषांकों का प्रसारण किया जा रहा है। तो आज भी आपके लिए एक बहुत ही व्यक्तिगत एक अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं, जिससे आपको जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो आइए बिना देर के हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। आज का यह विशेषांक मेरे व्यक्तिगत जीवन के कुछ अनुभवों पर आधारित है, जो कि आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। और ऐसा मेरा विश्वास है कि इस व्यक्तिगत मेरे स्वयं के अनुभवों से आपको भी जीवन में जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनका सामना करने की शक्ति मिलेगी। मेरे जीवन में कई ऐसी कठिनाइयां अभी तक मैंने सामना किया है। महाराज जी के जो चरण कमल हैं, उनमें मेरी बहुत अटूट आस्था है। महाराज जी मेरे परम प्रिय गुरु भी हैं। महाराज जी से मेरी बहुत गहरी आस्था है। महाराज जी आप ऐसा समझ लीजिए कि मेरे जीवन में मेरा सब कुछ महाराज जी पर ही निर्भर है। कई बार जीवन में ऐसे कष्ट उभर के आते हैं जिसका आपके पास कोई मार्ग आपको दिखाई नहीं देता। महाराज जी के साथ आस्था होने के बावजूद भी कुछ कष्ट जीवन में ऐसे आते हैं, कुछ ऐसी कठिनाइयां, कुछ ऐसी परेशानियां आपके जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं कि आपको ऐसा लगने लगता है कि महाराज जी की कृपा आपसे उठ गई है या महाराज जी आपकी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसी असमंजस भरी स्थितियां जीवन में कई बार मैंने देखी है। होता यह है कि उस वक्त, क्योंकि मनुष्य प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जब आप कठिनाइयों से घिर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ दें, ईश्वर है ही नहीं, महाराज जी भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। ये कटु सत्य है। आपको जीवन में इस बात का कई बार आपको भी अनुभव होता होगा, क्योंकि मनुष्य प्रवृत्ति होती ही ऐसी है कि जब कठिनाइयां आती हैं तो कुछ भी नजर नहीं आता, बस ऐसा लगता है कि आप घिर गए हैं और आपकी सहायता के लिए कोई नहीं है। तो ऐसी कठिनाइयां मैंने भी जीवन में कई बार उनका सामना किया है। सामना तभी कर पाया कि जब यह लगा कि महाराज जी ने ये कठिनाइयां भी किसी निर्णायक कार्य के लिए दी हैं। क्योंकि जीवन में आपके जब कठिनाइयों का एक दौर सा आ जाता है, एक सिलसिला सा चल पड़ता है, तो उसका भी अंत करने के लिए महाराज जी कुछ ऐसी घटनाओं को आपके जीवन में प्रवेश कराते हैं जो अप्रत्याशित होती हैं, जिसका आपको कहीं से कोई अंदाज़ा नहीं होता कि इसका जो पर्याय है वह क्या हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसी असमंजस की स्थिति जब आपके जीवन में आ जाती है तो आपको क्या करना है और मैंने क्या किया। देखिए, शुरुआत में, प्रारंभ में मन बहुत विचलित हो जाता है। ऐसा मेरे साथ हुआ कि जब कठिनाइयाँ आई तो महाराज जी, प्रभु, ईश्वर, सब कुछ ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब मेरी सहायता कोई नहीं कर सकता, और बिल्कुल मरणासन्न स्थिति जैसा अनुभव होने लग गया था। लेकिन फिर भी, क्योंकि महाराज जी की कृपा सदैव बनी रहती है, क्योंकि महाराज जी के ही ये वचन है कि मैं जब एक बार किसी का हाथ थाम लेता हूँ तो फिर जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ता। ये महाराज जी के वचन है जो कि अकाट सत्य हैं। जीवन में जब ऐसी परेशानियां आती हैं तो उसका पर्याय भी महाराज जी किसी ना किसी घटना के रूप में आपके जीवन में प्रवेश कराते हैं। क्योंकि जब तक कठिनाई का अंत नहीं होगा, उसका निर्णय नहीं होगा, निर्णायक स्थिति जब तक नहीं आएगी तब तक उस परेशानी का अंत भी नहीं होगा। सबसे बड़ा सत्य यही है। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जब तक आपके जीवन में परेशानियों के अंत के लिए निर्णायक परिस्थितियां नहीं आएंगी तब तक आपका जीवन सुखमय नहीं हो सकता। और महाराज जी ऐसी ही घटनाओं को आपके जीवन में प्रवेश कराते हैं। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं किसी की कही सुनी बात आपको नहीं बता रहा। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मेरी कई परेशानियां महाराज जी ने इस प्रकार से उनका हल दिया कि बाद में वह बात समझ में आई कि उस वक्त जीवन में अचानक से परेशानी क्यों आई थी। आपको शुरुआत में ऐसा जरूर लग सकता है कि ये परेशानी है, लेकिन महाराज जी की जो रहस्यमयी जो उनकी प्रवृत्ति है,
वे आपको अभी समझ नहीं आएगी, परेशानी के दौर में कभी समझ नहीं आएगी। जब आपकी उस परेशानी का हल आपको दिखने लगेगा कि नहीं, ये जो घटना है वह इस वजह से हुई ताकि मैं इस वजह से, इस घटना से ऐसे बाहर निकल सकूं, जब आपको ऐसा लगेगा तब आपको महाराज जी की यह बात अवश्य याद आएगी कि नहीं, ये घटना अगर नहीं होती तो ये जो परेशानी है इससे मैं उभर नहीं पाता या उभर नहीं पाती। तो महाराज जी ऐसी घटनाएं बनाकर आपके जीवन में लेकर आते हैं। यकीन मानिएगा कि जब भी आपको कोई जीवन में ऐसी असमंजस की स्थिति आ जाए, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि विकट परिस्थिति आ गई है, बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रलयंकारी जीवन में अनुभव हो रहे हों, तो आप समझ लीजिएगा कि आपको उस वक्त अपने विश्वास को डिगने नहीं देना है, क्योंकि महाराज जी हैं आपके साथ, आपकी अटूट आस्था महाराज जी के साथ है, तो महाराज जी किसी ना किसी प्रकार से कैसे ना कैसे करके आपको उस परेशानी से अवश्य बाहर निकालेंगे। अपनी जो नाव है ना, जब आपकी जो नाव है जो भंवर में फंसी हुई है परेशानी स्वरूप में, उसकी जो बागडोर है, उसकी जो पतवार है, वे महाराज जी के हाथों में सौंप दीजिए, आपको महाराज जी कभी डूबने नहीं देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज से अपने जीवन में आप ये सोच लीजिए कि कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, आप महाराज जी के भक्त हैं, आपको कोई झुका नहीं सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता, आपको कोई भी स्थिति परेशान नहीं कर सकती। क्षणभंगुर है सब कुछ, जब महाराज जी हाथ थाम लेते हैं तो आपका जीवन सफल करके छोड़ते हैं, आपको किसी भी अधर में नहीं छोड़ते, महाराज जी हैं। तो आप मन में एक विश्वास बना लीजिए कि महाराज जी मेरे साथ हैं, मुझे कोई डुबा नहीं सकता, मुझे कोई डिगा नहीं सकता और मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो यह था आज का विशेषांक। अपने व्यक्तिगत कुछ अनुभवों से आपको मैंने यह बताया है कि आपको जीवन में हारना नहीं है, महाराज जी का हाथ थाम के चलना है, आप हर परेशानी से बाहर निकलेंगे, ऐसा मेरा दावा है। तो यह था आज का विशेषांक, आशा करते हैं आपको विशेषांक अवश्य पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले विशेषांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।